नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आने वाली 15 तारीख को मतलब कल महिलाओं का बहुत ही जरूरी, महिलाओं का बहुत ही पसंदीदा जो व्रत है वो आने वाला है और उसका नाम है गणगौर व्रत। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि गणगौर व्रत का क्या महत्व है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसका पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की सामग्री क्या है और साथ ही हम इस व्रत से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण भजन, जो कि इस भजन के बिना ये व्रत पूर्ण नहीं होता, वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस व्रत के महत्व की कि इस व्रत को क्यों किया जाता है। तो हमारे सनातन धर्म में गणगौर व्रत व पूजा का विशेष महत्व है। यह व्रत होलिका दहन से शुरू होकर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि तक चलता है, यानी कि पूरे 18 दिनों तक ये व्रत चलता है, लेकिन कुछ जगह पर इसे आखिरी दिन ही मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा हरियाणा राज्यों में विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। इस व्रत को गणगौर तीज या सौभाग्य तीज के नाम से भी जाना जाता है। गणगौर पर माँ पार्वती व भगवान शिव की पूजा की जाती है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को सदा सुहागन रहने के लिए तथा माँ पार्वती ने सभी स्त्रियों को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद के रूप में इस व्रत को शुरू किया था। सुहागन स्त्रियाँ अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करती है, तो वही कुंवारी कन्याएं योग्य पति व सुंदर पति प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करती है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब शुभ मुहूर्त की कि इसे किस समय किया जाना चाहिए। तो इस वर्ष तृतीया तिथि 14 अप्रैल दोपहर 12:47 से शुरू होकर 15 अप्रैल शाम 3:27 तक रहेगी, यानी इस बीच में ही जो तृतीया तिथि है वो मानी जाएगी। लेकिन जो पूजा करने का शुभ मुहूर्त है वो है 15 तारीख को सुबह 5:15 से 6:52 तक, इस बीच में ही आपको अपनी पूजा संपन्न करना है। तो चलिए इस पूजा में आप कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं, यानी कि पूजा सामग्री की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें एक लकड़ी की चौकी, तांबे का कलश, काली मिट्टी, होली की राख, मिट्टी का दीपक, कुमकुम, हल्दी, चावल, बिंदी, मेहंदी, गुलाल, अबीर, घी, आम के पत्ते, पानी से भरा हुआ कलश, नारियल, सुपारी, गणगौर के कपड़े, गेहूं, बांस की टोकरी, चुनरी, कौड़ी, सिक्का, घेवर व हलवा तथा साथ ही सुहाग का सामान आदि चीज़ें इस व्रत में लगती है। लेकिन ध्यान रखें, इस समय लॉकडाउन चल रहा है, तो अगर पूरी चीज़ें एकत्रित ना भी कर पाओ तो भी कोई बात नहीं, आप जितनी चीज़ें हो सके उतनी चीज़ों से ही आप अपना व्रत पूरा कर सकते हो। चलिए बात करते हैं विधि की, मतलब किस प्रकार से आप पूजा करेंगे। तो इस व्रत को करने के लिए आप सुबह जल्दी उठें, नित्य क्रिया करने के बाद स्नान करें, स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनें। इसके पश्चात पूजा स्थान को गंगा जल से छिड़क कर या फिर गोबर से लीप कर उसे शुद्ध करें। फिर यहाँ पर एक मिट्टी का चबूतरा बनाएं, उस पर स्वास्तिक बनाकर भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति को स्थापित करें और फिर उनका विधिवत श्रृंगार करें और भावभक्ति के साथ पूजा करें। आप पूजा कैसे करते हैं ये तो आपको मालूम ही है कि पूजा में क्या क्या चढ़ता है, क्या नहीं चढ़ता, मैंने सारी चीज़ें बता दी है। वो सारी चीज़ें एक एक करके चढ़ाएं और इस प्रकार से अपनी पूजा को संपन्न करें। चलिए इसमें जो महत्वपूर्ण भजन है अब उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस गीत के बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। तो इसके लिए करते कैसा है, क्या करना चाहिए वो बताता हूँ मैं आपको। तो गणगौर पूजा के बाद, ईसर गौरा की पूजा करने के बाद महिलाएँ 16-16 दूब दोनों हाथों में लेकर गणगौर या अपने साथ पूजा करने वाली जो अन्य महिलाएं हैं उनके साथ जोड़ा बनाते हुए दूब के गुच्छों को पानी में डुबोकर गीला कर लें। फिर ईश्वर पार्वती के सामने इन गुच्छों को आपस में टकराते हुए यह गीत 16 बार गाना चाहिए। कितनी बार? 16 बार इस गीत को आपको गाना है। लेकिन ये ध्यान रखें कि जो सुहागन स्त्रियाँ हैं वही इसको 16 बार गाएँ, अगर कुंवारी कन्या हैं तो वो उसे केवल 8 बार ही गाना चाहिए। अब वो गीत क्या है चलिए वो सुनते हैं। गोर गोर गोमती ईसर पूजे पार्वती, पार्वती का लटीला गोर का सोने का टीका, टीका दे टमका दे गोरा रानी बरत करे, करते करते आसायो मासायो खेड़ा का डूला डूला,
लाडू ने बीरा ने दियो, बीरो ने घटकार गए, चुनरी ओढ़ाए गए, सन मन सोला सात खचोला, ईशर गोरा दोनों जोड़ा, जोड़ जमाला साड़ी में सिंगोड़ा, बाड़ी में बिंगोड़ा, रानी पूजे राजपाट, में पूजू सुहाग पाट, रानी को राज घटतो जाए, मारो सुहाग बढ़तो जा, ईड़ी कीड़ी जात दे गुजरात दे, गुजरा थारो पानी दे दे घुटी तानी, आस की डोर कमल का फूल, गिन गिन सोला गिन गिन बीस, आओ गौर करा बत्तीस। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।